सो वह सब का क्या चल, मेरा नाम निशित वाइट, तुम सबका भाई आ चुका है फिर से एक और नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग करवाने वाले हैं नॉर्मली 4v4, बाय द वे 6v6 ही होने वाला था, बट चलो ठीक ही है, करते हैं 4v4 ही करते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बाकी के प्लेयर्स नहीं आ पाए। तो हाँ, करते हैं 4v4। और देखने वाली बात है कि आज के जो दो टीम्स हैं उन दोनों के बीच में भिड़ा के कि कौन सी टीम निकल के जाती है विनर, क्योंकि दोनों टीम्स जो है वो मेरे को इंस्टाग्राम से मिले थे और इनमें से कुछ प्लेयर्स मेरे जान पहचान वाले हैं, मतलब ऐसा मेरे इसको मेरे गिल्ड के प्लेयर्स नहीं, मेरे ग्रुप के प्लेयर्स है। तो अगर तुम लोगों को भी मेरे ग्रुप में आने का है व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो हाँ नीचे इंस्टाग्राम पे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे फॉलो कर लेना। और हाँ, मेरे को भी मैसेज कर देना अपना UID और साथ में फ़ोन नंबर भी, नहीं बाय द वे अगर देख के देना, ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि स्कैम वगैरह करूँगा, तुम लोग देख के देना। तो हाँ, डिस्कॉर्ड भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पे भी बात हो सकती है, हर संडे आता था ऑनलाइन। ओके, तो यहाँ पर देखने वाली बात है कौन सा टीम जीती है। और यहाँ पर मैच स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे प्लेयर्स जो निकल चुके हैं एक दूसरे को मारने के लिए। और हाँ, यहाँ पर सामने के साइड है अपने RD शुभम भाई, और हाँ यहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा नॉक हो चुका है इनका। ओके, जो कि शायद से मेरे को नहीं पता कि कौन सा प्लेयर मरा है। हाँ, आशिक नहीं, अरे ये तो अपना ये भाई, क्या गजब सीन है भाई यार, तुम लोगों को बाद में बताता हूँ क्या हुआ। ओके, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं भसर मच चुकी है और यहाँ पर अपना एक और प्लेयर उनका नॉक हो चुका है। ओके, तो अपना शुभम भाई नीचे से आ रहे हैं, और मैं सही तो मैं सही बताऊँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ ही बंदे हैं जिन पे मेरे को थोड़ा सा उम्मीद है कि नहीं ये प्लेयर्स जो है तबाही मचा सकते हैं। और बाय द वे अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर जैसे देख सकते हो भसर मची पड़ी है। और ओके, अपना अमित भाई यहाँ पे हील करते हुए, और अपना जो अभी है वो फिनिश हो चुका है। और ये रहा अपना रूपम, और जिसका गेम प्ले मैं सही बताऊँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा औसम लगता है सही बताता हूँ। ओ देख सकते हो, जैसा मतलब खुद ही देख लो। ओके, तो यहाँ पर देखते देखते अपने जयदीप भाई ने हाँ ट्रिपल किल निकाल लिया। और अभी इनके सामने है अपना अजय, नहीं कोई फौजी अजय नहीं, अपने फौजी अजय भाई नहीं, और ना यहाँ पर अपने अमित भाई है, ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर AT अमित लिखा हुआ है, RT अमित भाई नहीं लिखा हुआ है, AT अमित लिखा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि अपना जयदीप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में, क्योंकि सामने जो है वो और कोई नहीं अपना अजय। और मैं सही बता तो मेरे को दो प्लेयर्स जो जिनके बारे में मैंने बात की थी कि जो मतलब ऐसा लग रहा है कि जिनके वजह से इस गेम में तबाही मचने वाली है, वो यही दो प्लेयर है, एक है रूपम और एक है अजय भाई। सीरियसली क्या, अबे गंडा वाला सुधर जाओ यार, कोलैबोरेशन छोड़ो, थोड़ा सा गेम में भी ध्यान दो, देखो कैसा हवा में उड़ रहे बंदे, मतलब ऐसा कस्टम में लग रहा है, पर हाँ नहीं रियलिटी में नहीं उड़ रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर कौन जीतेगा लगता है। ओके, जो भी अभी मैच ले जा चुका है और यहाँ पर हो चुका है क्वार्टर किल। हाँ, और यह अपना गैंगस्टर जो कि पहले मर गया था, मैं सही बताऊँ तो राज की बात यह है कि यह गैंगस्टर और कोई नहीं है, मेरा ही दोस्त है जिसको तुम लोग अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो जानते ही होगे। हाँ, ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ समीर की। हाँ, वही समीर जो हर कुछ सीजन के बाद अपना नाम चेंज करता रहता है, पहले समीर था, फिर SN गेमर, फिर आ गया अपना कुछ जग्गू बोस करके नाम, और अभी रख लिया इसने गैंगस्टर, फिर रखेगा ग्रैंड मास्टर। मैं सही बताऊँ मैंने इसको बहुत बार ग्रैंड मास्टर पर पढ़ा था, ठीक है, मतलब ऐसा ग्रैंड मास्टर पढ़ा था, जुबान थोड़ी सी फिसल रही है क्योंकि ऐसा है कि मैं मूड में नहीं था, अचानक से सोचा कि चलो वीडियो तो रेडी करना है, और इनको बोल दी भी क्या है कि मैंने वीडियो रेडी कर दिया ऑलमोस्ट और सुबह तक अपलोड हो जाएगा, तो रात के लगभग बज रहे हैं अभी कुछ। ओके, ये गैंगस्टर किसी काम का नहीं है, सुधरेगा नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता। चलो, यहाँ पर अपने जयदीप फिर से, नहीं जयदीप तो पहले मर चुके हैं। ओके, शुभम यहाँ पर प्रेशर में आ चुका है, 1v4 सिचुएशन है, और लगता है क्या निकल पाएंगे, मेरे को ख्याल से लग नहीं रहा, बचने देंगे क्योंकि यहाँ पर जो अजय है वो भी बहुत ज़्यादा औसम है। हाँ, ख़त्म हो चुका है मैच। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि रात के अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 2:30 या 2 से 2:30, उल्टा बोल रहा हूँ, बाकी खुद समझदार हो, समझ लो। और हाँ, मेरी बकैती अगर तुम लोगों को पसंद आया तो यार प्लीज़ कमेंट कर देना कि क्या गलती कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरे को खुद को सुधरना है ना तो मेरे को वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, फीडबैक चाहिए होगी तुम लोगों की, ठीक है, तो उधर फीडबैक में कुछ नहीं कर सकता। और बाकी तो यहाँ पर फिर से भसर मच चुके हैं, और यार देख सकते मैं सही बताऊँ तो ये जो पहली वाली टीम है ना, खासकर अपना जो ब्लू टीम है ना, शायद हाँ ब्लू टीम ही है, वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा ऑसम परफॉर्मेंस दे रही है। मैंने इसका पहले इनका पहले भी गेम प्ले एक बार देखा था, जहाँ पर मतलब मैंने ऐसा एक्सपेक्टिंग किया था, कोई रिकॉर्ड नहीं किया उसका उनका गेम प्ले, तो हाँ पहले भी उनका मैच बहुत ज़्यादा ऑसम जा रहा था। मैं सही बताऊँ तो ये टीम अगर मेरे स्क्वाड में आ गई ना, तबाही मचाऊंगा ब्रो, सीरियसली। आप बाय द वे मेरे से कस्टम खेलने के बारे में बोलने मत। ओके, सामने जग्गू है जिसके सामने ऑलमोस्ट पूरी स्क्वाड, क्योंकि इनका जो अपना शुभम है वो भी नॉक हो चुका है, और जो कि फिनिश भी हो जाएगा बहुत ही जल्द में। हाँ, बहुत ही जल्द फिनिश भी हो गया। ओके, 1v4 सिचुएशन, ये बंदा तो अकेले एक को भी नहीं संभाल सकता, क्या उखाड़ेगा इन चारों का। बाय द वे हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि समीर बहुत बुरा प्लेयर है, ये बहुत ही बुरा प्लेयर है, ठीक है, इसका कुछ नहीं है, इसके बस का कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है गाइस, समीर बहुत ही ऑसम प्लेयर है, जाहिर सी बात है,
मतलब उसका कस्टम थोड़ा सा वीक है, बाकी उसका इन गेम भी मतलब वो हमेशा फन के मूड में रहता है, ठीक है। पर अगर सही से खेले ना तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम खेलता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे स्क्वाड में पहले था तो मैं बता सकता हूँ कि कौन सा प्लेयर बेस्ट है। और यहाँ पर सही बता तो आरजे भाई जो उनके साथ एक बहुत ही बुरा वाला हादसा हो गया है, जिसकी वजह से वो आजकल नहीं हो रहा, ऑनलाइन नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से मैं भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली आरजे भाई के साथ ज़्यादातर गेम प्ले करता हूँ। तो उनके भैया लौड़े लग चुके हैं, तो हाँ बिना 18 प्लस बनाए गेम को शुरू करते हैं, मतलब कस्टम को देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि ऐसा है कि इंटेंस माहौल है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि देखने के लिए कौन सी टीम जीती है। और यहाँ पर अगर ब्लू टीम निकल के आती है ना विनर, तो हाँ इसमें ज़्यादा हैरानी वाली बात नहीं होगी। पर हाँ MVP अगर अपना रूपम लेके आता है, मैं सही बताऊँ तो रूपम जो है वो उसका गेम प्ले नेक्स्ट लेवल, मैंने देखा है पहले भी, मेरे लिए तो भाई नेक्स्ट लेवल ही लगा मेरे को, क्योंकि ये बंदा जो है बहुत ही ज़्यादा ऑसम खेल रहा है। हाँ दूसरे यूट्यूबर्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा वीक है, बट जो खेल रहा है ना वो कहते ऑसम है। ओके आशिक के पीछे, ओ भाई इसको दिखा नहीं बंदा, सीरियसली कहा दिया बंदा इसका पता नहीं, और मेरे दांतों पे मत जाना, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके आशिक के सामने पूरी स्क्वाड ऑलमोस्ट, और हाँ ख़त्म है खेल। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, रूपम जो है उसका गेम प्ले पहले भी मैंने बहुत बार देखा है। हाँ और तुम लोगों के टास्क की एक और बात बताऊँ कि जो रूपम है और कोई नहीं, मेरा ही दोस्त है, मेरा क्लासमेट है, एक टाइम पर मेरा क्लासमेट था, और इसने मेरे से बाद गेम प्ले शुरू किया था खेलना। ऑब्वियसली आरजे भाई मेरे मतलब मैं उन सभी का सीनियर हूँ, ठीक है, ये जो नवाब है आरजे इन सभी का सीनियर मैं हूँ, पर हाँ ऑब्वियसली मैं ये सबसे बुरा खेल। ओके आशिक भाई यहाँ पे नॉक हो चुका है, सीरियसली भाई ऐसा कौन नॉक होता है। ओके तो इनका अपना अमित जो है वो भी नॉक हो चुका है, और इधर के साइड अभी भी नॉक है, पर आई थिंक अमित रिवाइव हो जाएगा, अभी नॉक है शायद से, अभी का किल पूरा हो जाएगा। ओके अमित यहाँ पे हील करते हुए शायद से, और ये गैंगस्टर और बचे हुए हैं अपने जयदीप ब्रो, और लिटरली जयदीप ने पिछली बार 1v4 ऑलमोस्ट क्लच किया था, तो देखने वाली बात है कि इस बार भी क्या उखाड़ते हैं। मैं ऐसा सही बताऊँ तो मेरे को ऐसा थोड़ा सा वो फील सी आ रही है कि इस बार थोड़ा सा अलग करेंगे वो, क्योंकि डुओ वर्सेस डुओ है अभी रिसेंट के टाइम पे, जैसे कि देख सकते हो, और देखने वाली बात है कि कौन सा टीम जीतती है। ओके तो ये पीछे से ब्लैंक लेके जा रहा है अपना अमित। ओके शी 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 ऐसा उम्मीद भी नहीं की थी छे। ओके यहाँ पर पोकर MP40 के साथ खत्म है खेल। मैं बोलने वाला था कि पोकर MP40 के साथ अपना जग्गू भाई अच्छी टक्कर देते हुए, पर बोलने का मौका ही नहीं दिया इसने, मतलब यह हमेशा मेरी बेइज्जती करवाता है, ठीक है, खैर उसके बाद छोड़ो। बाद में मैं किसी भी प्लेयर को हेट नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि जो भी प्लेयर्स है ना बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल प्लेयर्स है, और जैसे कि देख सकते हो कि अच्छा खासा इनका रेट ऑफ पर जो खासकर फायर पर जो बहुत ही तो अच्छा है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो अभी झूठी सतह पर बोलना तो पड़ेगा ना, इनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। ओके तो यहाँ पर फिर से रूपम ने एक को नॉक करके फिनिश भी कर दिया, जो कि शायद से शुभम है, हाँ शुभम है जो कि फिनिश हो चुका है। और यहाँ पर भाई क्या क्या हेडशॉट दिया, देखा तुम लोगों ने। ओके गैंगस्टर यहाँ पे भी खत्म है, ये इसको खेलना नहीं आता क्या गैंगस्टर को, सीरियसली समीर खुद को थोड़ा सा तो सुधार यार, क्या करता है तू भी, मतलब इसका मैं सही बताऊँ तो समीर का ऐसा ही है कि वो मतलब कोई सा भी कस्टम वगैरह कुछ भी खेल रहा हो इसको हमेशा मस्ती सूझी रहती है, जो कि ऑब्वियसली बहुत बार इस वजह से मेरे से गाली भी पड़ चुकी इसको, पर ये सुधरता नहीं है, कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते, ठीक है। ओके सभी के सभी आजकल स्काइलर ही बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ओके हाँ इनके दो टू फिर से है, और देखने वाली बात है क्या यहाँ पर आशिक रूपम को नॉक कर पाएगा, और यहाँ पर उम्मीद नहीं की थी मैंने, ऐसा बोलना पड़ रहा है उम्मीद नहीं की थी, पर हाँ जाहिर सी बात है रूपम इनको पहले देगा, अकेले ही काफ़ी है सबके लिए शायद। ओके जयदीप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में, क्योंकि सामने रूपम है और उसके साथ, ओके कोई नहीं अभी यहाँ पे नॉक हो चुका है जिसको फिनिश कर देगा, और ऑब्वियसली जयदीप भी बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं सही बताऊँ तो मेरे को थोड़ा सा उम्मीद ना जयदीप से, क्योंकि जयदीप और आशिक जो है वो खासकर वो दोनों प्लेयर्स थोड़े से अच्छे खेलते हैं, बाकी का तो मैं बोल नहीं रहा। और इसमें सही बताऊँ तो यहाँ पर आरजे भाई होते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि आरजे भाई के गेम प्ले तुम लोगों को जैसे पता ही है नेक्स्ट लेवल टाइप है, खासकर उनका वन टैप तो मिस नहीं होता। और अनफॉर्चुनेटली अपने जो नवाब है वो आ नहीं पाए। ओके यहाँ पर ये लोग फिर से मैच ले जाकर, और फिर मैंने ध्यान नहीं दिया 5-1 भाई, सीरियसली क्या कर रहे हैं ये लोग। ओके मैं सही बताऊँ तो मेरे को असल फील से आ रही है कि जो रूपम है वो यहाँ पर मैच लेके जा सकता है, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि रूपम जो है वो नेक्स्ट लेवल टाइप खेल है, और मेरे को ऐसा फील भी आ रहा है कि रूपम जो है वो ऑब्वियसली मैच लेके जाएगा, अकेले ही MVP उठा सकता है, क्योंकि उसका गेम प्ले मेरे को सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ऑसम लगता। अबे देखो मैं बात करते करते इधर इनका स्क्वाड ही फिनिश हो गया। ओके इसका देखते हैं क्या उखाड़ पाता है, ओले खत्म ही हो गया मैच ये वाला। ओके 6-1 क्या पता इस बार कम बैक कर पाएंगे कि नहीं, अगर लास्ट मैच है इनका गया ना तो क्या खेल खत्म है। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो कि फिर से सभी फॉर्म में आते हुए शायद से इस बार थोड़ा सा तबाही मचाएंगे, क्योंकि अभी रिस्क नहीं ले सकते। और हाँ जैसा कि मैंने बोला कि कम बैक करते हुए, और यहाँ पर एक शॉट पड़ी इनको अपने आशिक को, पर इन्होंने फिर से पैक कर लिया। ओके यहाँ पर अपना सामने है
जयदीप, और जयदीप क्या अजय को नॉक कर पाएगा? हाँ कर दिया, अजय को फाइनल नॉक कर दिया। और यहाँ पर हाँ अजय नॉक फिनिश हो चुका है और फिर से अपना जग्गू फंस गया है। ओके तो ओके अजय नहीं था शायद, सब अभी था, हाँ अभी को नॉक किया, अभी अजय को नॉक किया। ओके रूपम यहाँ पे फंसा पड़ा है क्योंकि इसके सामने पूरे तीन बंदे हैं, और क्या ये कुछ उखाड़ पाएगा? मेरे को ऐसा लग रहा है रूपम जो बोलते तो ऑसम प्लेयर, ठीक है बहुत संभाल सकता है आई थिंक, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्यों पता नहीं, पर आई थिंक यहाँ पर रूपम भी फंसा पड़ा है बहुत गंदा वाला, क्योंकि जोन जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा वो कर रहा है। ओ शिट, नहीं जयदीप भी बहुत अच्छा प्लेयर है, तो हाँ मैंने पहले भी बोला था जैसे तुम लोगों को, पर हाँ रूपम ने यहाँ पर बहुत अच्छी टक्कर दी। और इसको क्या हो गया, ये ऑफलाइन चला गया क्या, पता नहीं, इसका भी अलग ही सीन है। चलो दूसरों को देखते हैं। ओके जयदीप जो है वो वैसे ही मेरे से बताओ तो जयदीप से थोड़ी सी उम्मीद है, और रूपम से तो भाई ऑब्वियसली उम्मीद है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो बाजी है एक तरफ रूपम ही ले रहा है, क्योंकि रूपम जो है वो बहुत ज़्यादा ऑसम प्लेयर लग रहा है मेरे को। हाँ मैं बात कर रहा हूँ, अबे आशिक भाई थोड़ा आप भी गेम में ध्यान दिया दो यार, क्या खेल रहे हो यार, पता नहीं चल रहा कि कहाँ का क्यों पिट रहे हो ऐसे, मतलब पिटने की वजह क्या है। खैर ये तो उनको बाद में पता चलेगा। या ओके रूपम फिर से नॉक आउट हो रहा है, रूपम नॉक है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गेम इनके हाथ में है। ओके शायद से ये लोग कम बैक करते हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉक फिनिश दे रहे हैं सभी को, शायद से फॉर्म में आ गए ले। और देखने वाली बात की यहाँ पर अपना जो रेड टीम है क्या वो कम बैक कर पाएगी। बाद में मैंने इन टीम का कोई नाम नहीं रखा, ठीक है, और वैसे भी इन्होंने बताया भी नहीं कौन सा नाम रखना है। ओके तो शायद से इनके सामने अभी अपना ओके 2v2 सिचुएशन नहीं, 1v2 सिचुएशन है अपने अजय के लिए। और क्या अजय यहाँ पर दो बंदे फिनिश कर पाएगा? ओके अजय को शायद से फिनिश कर दिया है जयदीप ने, हाँ ऑब्वियसली जयदीप बहुत अच्छा प्लेयर है, मैंने जैसे प्लेयर बोला था, पर जग्गू से कुछ नहीं हो रहा, आई मीन गैंगस्टर से या फिर समीर से कह सकते हो, हाँ समीर से ही बोल सकता है अपन उसको। ओके रूपम यहाँ पर फिर से फॉर्म में जाते हुए, और ये सबसे पहले पहले जाता है सबसे पहले पिटता ही है। ओके मजा कर रहा था कि प्लीज किसी को हेट मत देना। हाँ और बाद में अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो किस बात की देरी है, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट करना, क्योंकि विदाउट कमेंट ना फीडबैक नहीं मिलता, और बाद में मैं अपना जो कंटेंट है वो अपडेट नहीं कर पाऊंगा। और शायद से मैं ऐसा हो रहा है कि मैं जो हूँ ना थोड़ा सा झुक गया हूँ, फ्रेंड से शायद से बाहर जा रहा हूँ, यहाँ पर फसल मच चुकी है, फिर से अपना रूपम नॉक है भाई लोग, क्या लगता है कि क्या यहाँ पर फिर से गेम ले पाएंगे? ओके आशिक भी नॉक है जिसको जयदीप ने रिवाइव कर दिया है, और हाँ आजकल पबजी खेल रहा हूँ तो आदत ख़राब हो चुकी है, और मैं काफ़ी दिनों के वीडियो नहीं डाला तो थोड़ा सा कास्टिंग में इधर का उधर हो सकता हूँ, तो हाँ कमेंट कर जरूर से करना, फीडबैक जरूरत है ना तुम लोगों को, जैसे कि बताई मैंने पहले ही। ओके तो यहाँ पर एक बंदा इसका फिर से नॉक है, और 1v3 सिचुएशन शायद से इस बार अभी के लिए, और हाँ यहाँ पर अभी हो चुका है फिनिश, और अनफॉर्चुनेटली अपना समीर फिनिश हो चुका है, और लास्ट मैच ऐसा लग रहा है मेरे को इनके लिए, क्योंकि अभी जो अपना रूपम जो है वो भड़का हुआ सा मेरे को लग रहा है, क्योंकि रूपम ऐसा कोई देखो अभी तक शायद से वो लोग मजाक कर रहे होंगे कि नहीं पता नहीं, पर कमबैक करते हुए तो दिख रहे हैं, पर रूपम जो है वो सीरियसली पहले से खेल रहा है, तो आई थिंक यहाँ पर रूपम की थोड़ी सी हट चुकी है, और अगर रूपम की हटी है तो सबकी फटी है समझ लो, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने उसके साथ मतलब खेला नहीं है पर उसका गेम प्ले पहले देखा है, बहुत ज़्यादा ऑसम लेवल का प्लेयर है। और जग्गू यहाँ पर किसी को नॉक कर पाएगा क्या? खैर इसका तो कुछ नहीं सीन, इसका कुछ नहीं हो सकता, खैर छोड़ो इसको छोड़ो आगे देखते हैं। मैं सही बताऊँ तो यार समीर यार क्या चीज़ है भाई, थोड़ा सा ध्यान दे यार गेम प्ले में। ओके यहाँ पर अपने जयदीप ब्रो के पीछे पूरी स्क्वाड पड़ गई है ऑलमोस्ट। ओके 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 तो शायद से हाँ खत्म है खेल, क्योंकि आशिक भी नॉक हो चुका है, नॉक फिनिश भी हो चुका है, और यहाँ पर एमटी अपना अमित जो है खासकर वो तबाही मचा रहा है, और देखने वाली बात है कौन सी टीम जीतती है। और लास्ट मैच ऐसा लग रहा है मेरे को क्योंकि अभी ये लोग फॉर्म में, इनका हो गया है अभी भजन गाओ, ठीक है लॉबी पे जाओ और भजन गाते भी रहो। ओके तो आई थिंक जयदीप यहाँ पे हार जाएगा क्योंकि ऐसा लग रहा है मेरे को। और बाय द वे अगर तुम लोगों को फिर से बोल रहा हूँ वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और कमेंट करना जरूरी है, लाइक शेयर करो ना करो, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और यहाँ पर देखने वाली बात है कौन सी टीम नहीं जीतती है, खैर ब्लू तो वैसे जीतेगा मेरे को पहले पता, पर देखने वाली बात है कि अपना जो रूपम में क्या वो MVP ले जाए पता है, रुको देखते हैं। मैंने बोला था रूपम जो है वो सम लेवल का प्लेयर है 13 लाख के लगभग। बाय द वे अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, मैं मिलता हूं तुम लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टिल देन टेक केयर।